नमस्कार, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहे हैं, जो कि है अलंकार। अब ये अलंकार होता क्या है? आपने कविताएं पढ़ी है, बहुत सारी कविताओं में क्या है, कवि एक विशेष शब्द पर बड़ा बल देते हैं, अर्थात अपनी कविताओं में चार चांद लगाने के लिए, या यूं कहे कि अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए कवि जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो ही अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार हमारे प्राचीन काल से लेकर अब तक आधुनिक युग के कवियों की जो देन है वो हमारी कविताओं में सर्वोत्तम आभार व्यक्त करती है। एक कहने का मतलब है हमारी कविताओं को सर्वोच्चतम शिखर तक ले जाती है। अलंकार विशेष रूप से आपने कक्षा 7 से लेकर हायर क्लासों तक इसके बारे में पढ़ा, बहुत सारे एग्जाम में इसके बहुत सारे उदाहरण भी आते हैं और कहीं कहीं विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आज हम आपको अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको पढ़कर आपको यूँ लगेगा कि ये तो बड़ा ही रुचिकर टॉपिक है। तो चलिए बच्चों, आज हम अलंकार करवाते हैं, शुरू करते हैं। अलंकार, अलंकार जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का जो अर्थ होता है भूषण या गहना, और कार का अर्थ होता है कर्ता, करने वाला। अर्थात जिन साधन से कविता के सौंदर्य में वृद्धि हो उसे क्या कहते हैं? अलंकार। अब अलंकार के हम भेद पे आते हैं। तो अलंकार के दो भेद है, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है शब्दालंकार, शब्दालंकार में क्या होता है, इसमें शब्दों की सुंदरता पर बल दिया जाता है, या शब्दों के कारण कविता में चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। हमारा सेकंड है अर्थालंकार, इसमें क्या होता है, अर्थों के कारण कविता में जो चमत्कार उत्पन्न हो, या अर्थ के कारण कविता में स्पेशल अर्थ पर जोर देकर जो काम की करवाया जाए वो क्या होता है? अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में क्या है कि पर्यायवाची आने से इसके शब्द विशेष पर बल पड़ता है और जो इसका मीनिंग है वो बदल जाता है, अर्थात उसमें चमत्कार उत्पन्न नहीं हो पाता। जबकि अर्थालंकार में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पर्यायवाची शब्द आने से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे अलंकार के भेद हो गए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आज हम आपको करवाएंगे सिर्फ शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में देखिए, जो सबसे पहला है हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार, सेकंड है यमक, और थर्ड है हमारा शलेश अलंकार। तो ये शब्दालंकार के तीन भेद है, अनुप्रास, यमक और शलेश। तो आज हम करवाएंगे आपको सबसे पहले अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में। तो अनुप्रास अलंकार शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, जहां कोई वर्ण बार बार आ रहा है, आवृत्ति मतलब आना, जो कोई भी वर्ण बार बार आ रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो अब इसके उदाहरण देखिए, तो हमारा अनुप्रास का पहला उदाहरण है, देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए, रघुपति राघव राजा, तो देखिए इसमें रह रह, इसमें भी रह, ये भी और ये भी ये, तो देखिए इसमें रह रह, रह रह की जो वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, रह रह वर्ण जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है, तो इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अब हम इसका सेकंड उदाहरण बताते हैं आपको, देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इसमें भी देखिए च च च, तो बार बार च च का वर्ण क्या उच्चारण हो रहा है, बार बार च च वर्ण की आवृत्ति आ रही, तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा, अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई। तो देखिए इसमें पोथी पढ़ पढ़, तो देखिए इसमें भी ये प प प, तो ये इसमें भी प प वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आए तो उसे कहेंगे हम अनुप्रास अलंकार। तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो चुका है। अब हम आते हैं यमक पे। तो यमक, ये हमारा यमक अलंकार है। तो यमक में क्या आता है, पेयर जोड़ा, जहाँ पर शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ
अलग हो, चेंज हो जाए, उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। तो अब हम यमक के उदाहरण करवाते हैं। तो पहला उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें है काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें घटा ये और घटा ये, तो दो बार इसमें घटा का प्रयोग हुआ है। इसका क्या अर्थ हो गया? इसका हो गया बादल, ठीक है। और इस घटा का क्या हो गया? कम होना, ठीक है, कम होना। तो इसमें शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो, तो ये हमारा हो गया यमक। अब हम इसका सेकंड करवाते उदाहरण, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय वाखाए बोराए जग या पाए बोराए। तो इसमें कनक कनक वाले उदाहरण में इसमें बताया गया, देखिए इसमें ये कनक, तो इसका क्या अर्थ हो गया? हमारा सोना, ठीक है। और हमारा ये जो कनक है इसमें, इसका क्या हो गया? धतूरा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो सोना है, धतूरा है, उसमें मादकता ज़्यादा होती है, नशा होता है, लेकिन सोने में तो धतूरे से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर दोनों कनक कनक का जो मीनिंग है वो अलग है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो देखिए अब हमारा जो बच गया वो है शलेश अलंकार। तो शलेश का जो अर्थ है वो है चिपकना, चिपका हुआ। तो इसमें क्या है? एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, मतलब शब्द एक बार आए लेकिन उसके जो मीनिंग है वो बहुत सारे हो, तो उसे हम कहेंगे शलेश अलंकार। तो देखिए शलेश के उदाहरण, मंगन को देख पट देत बार बार। तो इसमें बताया गया है पट, ये पट, इसको देखे, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि मंगन को देख, मंगन मतलब मंगता, मंगता मतलब भिखारी, भिखारी को देख पट देत बार, पट के यहाँ पर क्या है, बहुत सारे मीनिंग आ गए इसमें। तो इसमें जैसे कि वस्त्र, और क्या आ गया इसमें, दरवाजा। तो ये शलेश अलंकार का उदाहरण है पट। तो एक बार देखिए इसको, जैसे मैं समझा रही हूँ कि मंगन को देख, जैसे किसी भिखारी को देख कर वो पट, जैसे वस्त्र से लगाए तो वस्त्र वो बार बार दे देती है, या इसका दूसरा मीनिंग निकाले दरवाजे का, तो मंगन को देख, भिखारी को देख कर वो अपने दरवाजे बार बार पट बंद कर देती है। तो ये हो गया हमारा शलेश का उदाहरण। इसका सेकेंड और करवाते हम, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। तो देखिए इसमें जो इस पानी का, इसका मीनिंग बताया गया है कि ये पानी एक बार आया लेकिन इसके मीनिंग बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, अगर मोती के रूप में पानी का अर्थ अगर हम लगाए तो क्या होता है? चमक। मानुष के रूप में लगाए तो क्या होता है? सम्मान। और चून के रूप में लगाए तो क्या होगा? जल। तो इसमें बताया है पानी जो एक बार आया है लेकिन इसके मीनिंग बहुत सारे हैं। तो ये क्या हुआ हमारा शलेश अलंकार। तो आज हमने शब्द अलंकार, अलंकार के जो दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार, तो आज हमने शब्द अलंकार कराए हैं, आगे हम इसके अर्थ अलंकार कराएंगे।